गुड मॉर्निंग सुप्रभात केम छो सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सोच रहे हो सर, आप तो बोल रहे थे आप शिफ्ट कर रहे हो, फिर से पुराने वाले घर में वीडियो बना रहे हो। नहीं बेटा, ना हमारा शिफ्टिंग का काम चल रहा है, तो मतलब मैंने बोला है कि भाई संडे को मत परेशान करो, भी ना संडे को पूजा है वो नए वाले फ्लैट पर, मतलब नया क्या पुराना ही फ्लैट है जिसमें हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं उसमें पूजा है, और मंडे को जो है वो सब शिफ्ट होंगे ये, तो मंडे मोस्ट प्रॉब्ली मुझसे लगता है ट्यूसडे मॉर्निंग में जो है वो नई जगह से रिकॉर्डिंग देखने शायद मिलेगी आपको। इट डिपेंड्स कि शिफ्टिंग का प्रोग्राम कैसा रहता है। किसी बच्चे ने पूछा सर आप क्या प्रैक्टिस नहीं करते हैं अभी? देखो बेटा, मैंने पहले भी कहा है कि मैं फुटफॉल वाली प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। मेरे पास जो पेशेंट्स हैं, मतलब मेरा सिस्टम जो है वैसा है कि मेरे पास पेशेंट जो है वो इनरोल होते हैं पहले, ठीक है ना। इनरोल होने के बाद मैं उन्हीं पेशेंट्स का टेक केयर करता हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली मैं आप लोग जब कभी कुछ मुझसे सलाह मांगते हैं तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। अदरवाइज जनरली जो है मेरा जो प्रैक्टिस का सिस्टम वो ये है कि मेरे पास लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट रखता हूँ और उनकी पूरे साल भर केयर करता हूँ। कारण ये है कि डायबिटीज़ कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो बुखार आ गया तो आपने 4 दिन दवा दिया ठीक हो गया। डायबिटीज़ में आपको साल दर साल आपको केयर करना होता है। तो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट का तरीका अलग होता है, इसलिए कंटिन्यूस केयर पेशेंट की बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए मैं एक सिंगल कंसल्टेशन में कोई भी पेशेंट डायबिटीज़ का मैं नहीं देखता हूँ कि कोई आदमी आया उसने 2,500 रुपये फीस भरी आपकी, आपने उसको देख लिया। नहीं, मैं आजकल मैं पेशेंट को साल भर के लिए इनरोल करता हूँ कि भैया पूरे साल के लिए तुम इनरोल हो गए तो तुमको हम देखेंगे, नहीं तो कहीं और जाके दिखा लो। उसके पीछे बड़ा कारण ये कि पेशेंट आज आपको दिखाया, कल किसी और को दिखाया, परसों किसी और को दिखाया, तो ट्रीटमेंट डायबिटीज़ का उससे गड़बड़ा जाता है, ठीक है। जब मेरे पास ही ट्रीटमेंट पूरा चल रहा होगा तो सब जिम्मेदारी मेरी है कि भाई उसका सब कुछ ठीक ठाक रहे, ठीक है ना। कब कौन सी जांच होनी है, कब क्या करना है, तो वो सारे स्टेप हम ले पाते हैं, ठीक है। इसलिए चूँकि और दूसरा क्या है, हम व्यस्त बहुत हैं, हमारे जो ऑनलाइन वेंचर इन सब में हम व्यस्त भी हैं, और हमारे पास कुछ एक दो वेंचर और भी हैं, तो हम अपना क्वालिटी टाइम अपने पेशेंट को देते हैं। तो इसलिए हम केवल जो है वो पहले केवल 100 पेशेंट को इनरोल करता था मैं, अब मैंने तो थोड़ा सा सीट बढ़ा दिया तो 125 पेशेंट को मैं इनरोल करता हूँ साल भर के लिए, ठीक है। और तो मतलब मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, और मतलब मेरा काम करने का तरीका ये कि मैं भले ही अब आप बोलोगे सर इससे तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा नहीं मिलता होगा आपके आपके नॉलेज करने, ऐसा नहीं है, ठीक है। सारे डॉक्टर डायबिटीज़ के सही ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, सब कुछ सही होता है। कुछ पेशेंट जिनको मुझ पर भरोसा है, ट्रस्ट है, जो चाहते हैं कंटिन्यूस केयर चाहते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, दे कैन कम टू मी, ठीक है ना, वो मेरे पास आते हैं और मैं उनका ध्यान भी रखता हूँ, ठीक है। अब इसको लेकर आप कोई भी ओपिनियन बनाएंगे तो वो एक आपका पर्सनल ओपिनियन होगा, पर मेरा ओपिनियन ये कि मैं जो सबसे बेस्ट कर सकता हूँ वो करने की कोशिश करता हूँ। कहीं तो हमको थोड़ा सा बेटा सेग्रीगेट करना पड़ेगा ना हमें, कि ताकि हम उन जिन लोग हमारे पास में उनका हम बेटर केयर हम कर सकें, ठीक है। हाँ, जनरल प्रैक्टिस की बात रही तो वो मैं अपने मेरे पास जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं अधिकांश बच्चों का ट्रीटमेंट इस समय मैं ही कर रहा होता हूँ, ठीक है, या मेरे गाइडेंस में ट्रीटमेंट उनका हो रहा होता है। खैर, ये तो बात की मेरे अब मैंने अपने करियर के बारे में। अब आपने डॉक्टर बनना है तो अब आपने क्या सोचा है, कैसे करना है? क्योंकि देखो अभी तारीख पर तारीख चली आ रही है, ठीक है ना, और अभी क्या होगा आगे मंडे को कोई कुछ नहीं कह सकता है, उसके बाद क्या होगा वो भी कुछ कहना मुश्किल है, ठीक है। क्या अगली 1 तारीख और आएगी ये भी कहना मुश्किल है, मतलब इस समय हमको बिल्कुल भी समय खराब नहीं करना है। और यदि आप, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि आपको लगता है ना कि आपके नंबर पर आपको MBBS नहीं मिल सकता है, कट ऑफ जिस प्रकार गया है लास्ट ईयर उस नंबर पर MBBS नहीं मिला है, तो फिर कोई झूठी उम्मीद मत रखिए, तैयारी को शुरू कर दीजिए। मैंने एक YouTube पे एक वीडियो डाला हुआ है बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन मेन चैनल पे, किन बच्चों ने क्या स्टेप लेना चाहिए। यदि आपके नंबर 600 के ऊपर है तो क्या सोचें, 400 से कम नंबर है, 300 200 से कम नंबर है, अब 4 अटैम्प्ट हो चुके हैं, नंबर 250 आ रहे हैं, तो भैया कुछ और करो क्योंकि तुम नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, तुमने कोशिश ही नहीं की अपनी एक बार भी ढंग से, और जब पहले नहीं की तो अब तुम क्या करोगे भाई। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको जन्म घुट्टी या कोई आपको सक्सेस की घुट्टी नहीं पिला देगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी एग्ज़ाम निकलेगा। अब रही बात, कई बच्चे पूछ रहे सर कि अपने फोकस बैच का क्या होगा। मैंने कहा देखो बेटा, फोकस बैच जो है लाइव स्ट्रीमिंग पे जा रहा है, आप जो है कुछ बच्चों को उसकी फ़ीस ज़्यादा लग रही, तो मैंने कहा देखो बेटा, मैंने बहुत अपनी टीम को बोला, बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकाले, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि हम उस फीस को और कम कर लें। क्यों नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे कारण हैं उसके पीछे, ठीक है ना। और तो मतलब जो फीस है फोकस बैच की वो वही फीस है, 9999 फीस है उसकी, उसमें से लॉयल्टी बोनस 1500 कम हो रहा है, बचा हुआ फी पे करना है, उसमें क्रैश कोर्स को इंक्लूड किया हुआ है तो वो उसके अंदर शामिल है फोकस बैच के अंदर, ठीक है, ये उसकी फीस है।
लेकिन वॉरियर पैकेज जिसके बारे में बच्चों ने बहुत पूछा है कि सर क्या, मैं कह रहा हूँ आपसे कि अभी वॉरियर पैकेज में जो है वो जितने भी बच्चे आ रहे हैं अभी, तो उनकी चूँकि चूँकि नंबर कम है उन बच्चों का, तो मैंने कहा कि यदि मैं चाहूँ तो सेपरेट बैच कर सकता हूँ, पर मैं नंबर कम होने से मैंने उन बच्चों को सबको यही बोला हुआ है कि बेटा हम आपको ग्लेटर बैच में ही बिठाएंगे ताकि आपको कंपटीशन का माहौल मिल सके, आप और बच्चों के साथ मिलकर आप कॉम्पीट कर सकें, और आप जो है वो आप वहाँ पर उस ग्रुप जो होता है ना पूरा पूरा जो जो और बच्चों में बैठोगे ना, तो टेस्ट दोगे, DMT सॉल्व करोगे, तो आपको सारा बेनिफिट आपको ग्लेटर बैच का मिल जाएगा वॉरियर पैकेज के दौरान, ठीक है। तो इसलिए आप यदि वॉरियर पैकेज को भी रजिस्टर करते हैं तो आपके पास जो है वो जो ग्लेटर बैच है उसका एक्सेस लेने का आपके पास में जो है वो आप उसमें आके बैठ सकते हैं, उसमें आपको बैठना चाहिए। जो छूट गया है वो आपको टीचर फैकल्टी अलग से कवर करवा देंगे, स्पेशली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायो में तो आप कवर कर लोगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको फैकल्टी अलग से क्लास लेके आपका वो कवर करवा देंगे, तो उसकी चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो क्योंकि 40 बच्चा 50 बच्चा लेके दी मैं वॉरियर पैकेज में बैठूंगा बच्चों को लेके, उन बच्चों को सामने लेके, तो उसमें उनको अंदर कॉम्पिटेटिव फीलिंग नहीं आएगी उठ के, और उस फीलिंग के लिए और बच्चों के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि कॉम्पिटिशन को फील कर सके। तो वॉरियर पैकेज के एडमिशन बंद नहीं हुए, आपको वॉरियर वाली ही फीस पे करना है, जो भी स्कॉलरशिप है जो कुछ भी अप्लीकेबल है आपको वही पे करना है। बैठेंगे आप ग्लेटर बेंच में आके, और ग्लेटर बेंच में जो है वो बहुत ज़बरदस्त बच्चे बैठे हुए हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे वहाँ पर, तो वहाँ आकर आप बैठोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, एक कॉम्पिटेटिव माहौल मिलेगा। ये मैंने आपके हित में किया, मैं चाहता तो अलग बैच सेपरेट कर सकता था, पर मैंने कहा नहीं, अब चूंकि ग्लेटर बैच में सीटें हैं अभी वैकेंट, अभी कुछ सीटें वैकेंट हैं उसमें, जो हमने एडमिशन रोक दिया था तो वो सीटें वैकेंट रह गई थी, तो वो सीटें वैकेंट हैं अभी भी, तो उन सीटों पर हम जो है वो, और मुझे लगता ज़्यादा नहीं है वो, जो हम मैक्सिमम जो बच्चे बैठा सकते हैं वो 30 या 40 बच्चे हैं जो हम और एकोमोडेट उसमें ग्लेटर बैच में हम कर सकते हैं, इसके ऊपर हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो क्लासरूम फिर जो है उसमें एक भी सीट की जगह नहीं बचेगी, ठीक है। जिन बच्चों ने जो है फटाफट आना है, जुड़ना है आके, जो ऑफलाइन में आकर बैठना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस का रियल जो है वो फील लेना चाहते हैं, रियल में मेहनत करना चाहते हैं, तो बेटा आप वॉरियर पैकेज में जाकर रजिस्टर कर दीजिए। आपको लेकिन मैं क्लियर कर दूँ उठ के, मैं कोई कन्फ्यूजन ना रखें, लेकिन मैं आपको जो है वो बैठाऊंगा ग्लेटर बैच के अंदर, ठीक है ना, अलग से। और हाँ, फोकस बैच की जो लाइव स्ट्रीम क्लास है वो एज इट इज़ लग रही होगी, वो एज इट इज़ क्लास लगेगी, उसका इससे कोई वास्ता नहीं है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग लाइव जो हो रही है वो आपकी होती रहेगी, ठीक है। फिर कुछ बच्चों ने पूछा, सर यदि हम वॉरियर पैकेज में कर लेते हैं और हम ग्लेटर में आके बैठते हैं तो हमारी पढ़ाई स्पीड सब ठीक रहेगा बेटा, ठीक है, आपको फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा, और यदि आपको ऐसा लगता है कि नुकसान है तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं ना, हम आपको रिफंड कर देंगे उठके, जो ऑनलाइन एक्सेस का प्रोवाइड करके, मतलब वो उसकी चिंता मत करो आपके। हाँ, हालांकि रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो 20,000 रुपीज़ है वॉरियर पैकेज की, तो आप समझ लीजिए कि आप जो बच्चों को जो स्कॉलरशिप लगता है ना वो स्कॉलरशिप उनको एप्लीकेबल हो जाएगा उसमें, ठीक है, क्योंकि ग्लेडर की फीस ज़्यादा थी, तो समझ लीजिए कि एक अपॉर्चुनिटी, और ये सब ये केवल 31 जुलाई तक है, केवल 31 जुलाई तक है, आप डिसाइड कर लीजिए क्या करना है आपको, उसके बाद फिर ये चीज़ें बंद हो जाएंगी, ठीक है। फिर इसके बाद हम किसी भी एक भी बच्चे को हम इंटरटेन अलग से ऑफलाइन क्लास में नहीं करेंगे। रही बात ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन में लाइव स्ट्रीमिंग जो है फोकस बैच में हो रहा होगा अपना, तो शुरू के जो ओरिएंटेशन क्लास है वो यूट्यूब पे भी जाएंगे, ठीक है, उसके बाद में फिर आपका पूरा सिस्टम ऐप पर शिफ्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो देखो बेटा, क्या है कि इस बार है ना, इस बार सारे, चाहे कोटा हो कहीं हो, सारे क्लासेस में बच्चों की संख्या कम हुई है, और उसका उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है बाकी सारी फैसिलिटीज़ में, ठीक है। कोटा में इस बार पिछली बार से 10% ही बच्चा रहेगा, 10-20% बच्चा, इसके ऊपर बच्चा नहीं है कोटा में, और ये न्यूज़ सब जगह पे, सारी जगह पर, हर प्लेटफॉर्म पर यही संख्या, क्योंकि ये नीट इसने बहुत बच्चों का पर गहरा असर डाला है, और एग्ज़ाम का जो बढ़ता हुआ कट ऑफ है उसने भी बच्चों को डिटच किया एग्ज़ाम से। कई पेरेंट्स तो अपने बच्चों को साफ बोल देंगे, 650 नंबर वाले नहीं आ पाएंगे, तुम मत पढ़ाई करो, कुछ और करते हैं अपन, ठीक है। तो बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट्स बने इस दौरान, लेकिन मैं बोलता हूँ ये टाइम बींग है इस साल के लिए, आप हर साल ऐसा बेटा नहीं हो सकता है, ये तो मैं क्योंकि देखो मैंने ये पहले भी देखी हुई है, ये घटनाएं मैंने पहले भी देखी हुई हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि ये सब एक साइक्लिक वे में चलता है, अब फिर से इसका ऊपर ऊपर उठेगा, ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है उसमें, ठीक है। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि हमको जो है वो देखो यार, जो सपना है वो आप ही ने देखा, हमने तो देखा नहीं सपना उठ के, हमारा सपना अलग है, हमारा सपना है कि हम इसको सबसे क्रेडिबल प्लेटफॉर्म बनाए उठ के, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम चाहते हैं कि हम 2000 में कोर्स दें, पर चाहते हैं कि उसके लिए हमको हमारे पास में बैकअप होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम नहीं तो कॉलेप्स कर जाएगा पूरा सिस्टम, ठीक है। तो अभी मेरी चिंता ये है कि मैं हर समय ये सोचता हूँ कि क्या और बेहतर करें, कैसे और बेहतर करें, ये सोचता हूँ मैं, ठीक है।
अब रही बात कि सर हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी फीस, देखो बेटा 8,000 रुपये मेरी फीस है तो बहुत नॉमिनल फी है, कारण ये है उसके लिए 10 महीने की क्लासेस को आप लगा लो, उसको 700-800 रुपये महीना आपको क्लासेस का देना पड़ेगा, क्योंकि बेटा उससे कम में हमारा सिस्टम नहीं चल सकता है, और ये हमने बहुत सब तरफ से कैलकुलेट करके देख लिया हमने उसको, ठीक है। बाकी कैसे चला पा रहे तो बाकी के बारे में बेटा मैं कुछ नहीं कह सकता, उनके जो क्वालिटी, जो कंटेंट की क्वालिटी, जो कंटेंट टीम पूरी काम करती है सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ बैचेस के लिए, वो बायोमेंटर्स में यूनिक है, एकदम अलग है। जो लो टाइम है वो बायोमेंटर्स का भी चल रहा है, हालांकि क्वालिटी में हमने इस बार सबसे अच्छा रिजल्ट था हमारा 24 में, 705 नंबर ही बच्चे का आया, लेकिन वही है ना कि हाउ वी कैन सेलिब्रेट, हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हम कैसे सेलिब्रेट करें इसको, 625 वाले को सिलेक्ट मान लें ना माने कुछ नहीं पता, तक काउंसलिंग नहीं आती है, कुछ बोल पाना मुश्किल है। पहले तो 600 नंबर के ऊपर फटाफट छापते थे भाई, 600 नंबर के ऊपर इतने बच्चों का आया, अब की बार खुद को मन में लग रहा है कि 600 नंबर के ऊपर भी तो क्या होगा उसका, ठीक है। तो ये तो मैं आपसे अपने मन की बात कर रहा हूँ, दिल की बताओ, देखो मैं आप मुझे जो भी कहते हो, कई बच्चे बहुत हार्श टिप्पणी करते हैं आजकल, मन को बड़ा ख़राब लगता है, मेरी वाइफ मुझसे बोल भी रही थी कि तुम उन बच्चों को देखा करो जो बच्चे तुमसे जो है वो दिल से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो बहुत ही हार्श बात करते हैं, तो कई बार तुम्हें तो बड़ा, मैंने कहा मुझे कई बार मुझे लगता है कि शायद मेरी अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई है, या मैं बच्चों के दिल में अब पहले जैसा नहीं रहता हूँ, या मैं बदल गया हूँ या कुछ अलग हो गया, मतलब मैं बहुत सारी बातें अपने बारे में भी सोचता हूँ, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो भी हो ईश्वर जानता है कि मेरे इंटेंशन आज भी वही है बच्चों की मदद करें, लेकिन बात इतनी सी है कि रिसोर्सेज, हेड काउंट बढ़ता है ना तो खर्चे कम होने लगते हैं, वो एक एवरेजिंग आती है उसकी, तो अभी जो भी है बेटा ना हम उससे कम में ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, तो अभी आप भरोसा रखिए इसमें, क्योंकि बायोमेंटस आपका ही इंस्टीट्यूट है और आपके लिए ही काम कर रहा है, ओके, और बेटर काम कर रहा है, लाइव स्ट्रीम आप क्लास में आपको पूरा ऑफलाइन वाला फील आएगा। हम तो चाह रहे थे कि वॉरियर बैच में बच्चे जो है वो पूरे पूरे बैच में बच्चे भरा जाए, लेकिन बच्चों की संख्या काफ़ी कम रही इसमें वॉरियर बैच में, ठीक है। और ये तो हम स्वीकार कर रहे हैं कि भाई ऐसा है, कोई दूसरा नहीं बोलेगा ये चीज़, हम बोल रहे हैं कि हाँ बच्चों की संख्या कम रही है वॉरियर पैकेज में, तो अब जो भी है जो बच्चे आए हैं उनको हमें कंपनसेट करना है, जो दिया उन्होंने ठीक है वो अच्छी बात है, हम उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि जो भी आ रहा है वो बच्चा डिससेटिस्फाइड नहीं रहना चाहिए, उसके लिए हमें मेहनत करना चाहिए, ठीक है। और फोकस बैच जो है वो हम लोग लाइव स्ट्रीम उसको कर रहे हैं कि ताकि बच्चों को जो है हम लाइव इंटरेक्ट कर पाएँ, बच्चों के हक के लिए हम और बेहतर कर पाएँ, देखते हैं हम कितना सफल होते हैं उसके अंदर, ठीक है। बाकी बेटा देखो ऐसा है कि मेरे आपके बीच का जो प्रेम का तार है वो हमेशा बना रहना चाहिए, हमेशा, क्योंकि हम अभी हमारे पास कल मैंने देखा मेरी टीम ने बताया कि हम 89 बच्चों की हम MBBS की फीस भर रहे हैं, हॉस्टल का खर्चा दे रहे हैं, 89 बच्चों का, ठीक है। तो मेरे लिए तो अगला स्टेप वो होता है कि उन बच्चों की फीस का अगला इंस्टॉलमेंट, अगला जो फीस है उनका खर्चा वो कहाँ से अरेंज करना पड़ेगा, मेरे लिए तो एज ए पेरेंट पिता के समान मुझे अपने बच्चों की फीस की चिंता नहीं रहती, भारतीय वहाँ पर, ठीक है, पर मुझे अपने जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्लासेस उनके फीस की चिंता रहती है मुझे, ठीक है। तो एज ए पेरेंट मुझे सोचना पड़ता है, ठीक है, तो मैं उनको बीच मझधार में छोड़ नहीं सकता हूँ, मुझे उनको उनकी हेल्प करनी पड़ेगी जब तक वो MBBS ना कर लें, वो मेरे बच्चे हैं, ठीक है। सिर्फ राजा का बेटा थोड़ा राजा बनेगा, तो योग होगा वो राजा बनेगा, कुछ तो पूरी कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बेटा नाम में क्या, अपने मन की कई बार बातें होती है आपसे कहता हूँ मैं, मौसम बड़ा अच्छा है इस घर में, बंगले में बहुत ही एक अलग तरह की फीलिंग आती है इसमें, इतना बड़ा है कि हम अकेले के लिए बहुत ही बड़ा है, तो हमको फिर शिफ्ट करना पड़ रहा है अभी। और हाँ, जो मैंने डायबिटीज़ का बताया, कभी आपको भी कंसल्टेशन चाहिए कुछ करना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, है ना, तो मैं आपकी जो जितनी संभव होगी उतनी कोशिश करूँगा। तो वो चीज़ें, एक जनरल जो पेशेंट मेरे पास आते हैं फुटबॉल में, पर जैसे मेरे पास कई बड़े सेलिब्रिटी मेरे पेशेंट हैं, कई कई प्रोमिनेंट लोग मेरे पेशेंट हैं, कुछ मेरे पास ऐसे पेशेंट है कि एक सिक्योरिटी गार्ड है मेरे बिल्डिंग में काम करता था, उसको गंभीर, वो भी मेरा पेशेंट है, उसकी भी मैं उतनी केयर करता हूँ, उससे मैंने कोई रुपया नहीं लिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है सब, अब क्या होता है कि जो जो भी आप अच्छे काम करते हो उसका सबका लिस्ट बना के ढिंढोरा नहीं पीटना होता, हाँ, लेकिन ये कि मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम मुझे जाने में तो भरोसा करें आप, ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे बायोमेंटर से तो भरोसा है, ये स्टेटमेंट ही हमारा है, ठीक है। और चलिए बेटा ना, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।